केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी मामले में सियासत तेज हो गई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। युवक कांग्रेस ने इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। केदारनाथ को स्वर्ण मंडित करने का मामला विवादों में गिर गया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ है, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। काशीपुर यूथ कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी होने की जांच नहीं कराई जा रही है, जो कि जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में भारी भूमाफियाओं के बढ़ते वर्चस्व और पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर के अंदर 2020 के अंदर सिल्वर की लेयर चढ़ी हुई थी। 2023 के अंदर उसको गोल्ड में तब्दील कर दिया गया था लेयर को, और 2023 के बाद उन्होंने उसको पीतल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित हैं संतोष त्रिवेदी जी, उसका बयान है कि उस लेयर को 2023 में जो गोल्डन में परिवर्तित थी उसको इन्होंने पीतल में कन्वर्ट कर दिया है और इस मामले की जाँच होनी चाहिए। उसके विरोध में युवा कांग्रेस आज मुख्यमंत्री पुष्कर तांबे का पुतला फूंका है। राज्य के अंदर लगातार भूमाफियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और बाहर से अन्य प्रदेशों के जो लोग आकर के हमारे भारत देश के लोगों के घर में घुस करके उनकी जमीनों पर कब्जा ले रहे हैं। पूर्व में पहाड़ के हमारे पूर्व सैनिक का घर में घुस के हत्या कर दी गई, जिस पर अभी तक मुख्यमंत्री का कोई भी ऑफिशियल जवाबदेही नहीं हुई है और ना ही उस पर उनका बयान आया है। लगातार अंकिता भंडारी जैसे आरोपियों को अंकिता भंडारी के आरोपियों को पुलिस प्रशासन और सरकार उनके आरोपियों को बताने का काम कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।